दोस्तों, मैं मून लाइफस्टाइल से मून आपसे फिर जुड़ने आ गई हूँ। आज मैं आपको अपने मायके का लोकेशन दिखाने जा रही हूँ। अभी हो गई है मेरे बेटे की छुट्टी, स्कूल की छुट्टी हो गई एग्ज़ाम के बाद, तो मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ आई हुई हूँ। तो मैं सोची चलो क्यों ना जहाँ पर मेरा बचपन कटा है वहाँ का मैं आपको लोकेशन दिखाऊँ कि कैसी जगह है जहाँ मैं अपना बचपन गुजारी हूँ। तो देखिए ये हमारे बचपन जहाँ कटी है, यहाँ यहीं पे हम लोग इसी जगह खेल कर बड़े हुए हैं। वो देखिए एक समय ये लहलहाती खेत हुआ करती थी जहाँ पे हरियाली, एक जब धान लगाने का समय आया करता तो यहाँ पे हरियाली छाई रहती थी। पर आज सभी अपनी ज़मीन बेच करके यहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं। तो क्या बताऊँ कैसी जो फीलिंग्स आती है कि एक अब सब जगह, चलो समय के साथ सब चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रही है। अभी चारों तरफ बिल्डिंग बन गई है, देखिए चारों तरफ कैसे बिल्डिंग्स बन गई है। पर इस तरह के हमारे बचपन में बिल्डिंग्स नहीं हुआ करते थे। ये पूरे खेत, लहलहाते हुए खेत, यहाँ इतने सारे सब्जियाँ, इतने सारे फसलें हुआ करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक समय यहाँ जब जून जुलाई में बारिश होती थी तो यहाँ पानी भरे रहती थी, उसमें छोटी छोटी मछलियाँ रहती थी, बगुले वाइट, पूरे खेत पे वाइट कलर के बगुले पूरे भरे रहते थे। मतलब मैं एक नेचुरल जो ब्यूटी होता है वो हम बचपन में देख चुके हैं, जो आप आज के ज़माने के बच्चे जो वो देखना भी चाहे तो उन्हें ये मिलेगा नहीं, क्योंकि अब ज़मीन रही कहाँ, सारी ज़मीन पर तो अब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं। देखिए तो ठीक है, समय के साथ सब चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रही है। अब मैं आपको मेरे बड़े वाले भैया के जो शौक़ की चीज़ हैं, वो थोड़ा गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, तो कुछ वैरायटीज़ के फ्रूट्स के पौधे लगाए हुए हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है चेरी गुआवा, देखिए छोटे छोटे गुआवा, देखिए चेरी गुआवा है। उसी ये है चीकू, देखिए कितने सारे चीकू है। बड़े वाले भैया को ना बहुत तरह के वैरायटी के फ्रूट्स गमले में लगाने का बहुत शौक़ है। देखिए चीकू, बड़े बड़े क्वालिटी के जो बेरी होते हैं उनके पौधे हैं, अभी तो सीज़न नहीं है। और ये देखिए ये मैंगो, और देखिए क्रोसुला जेट प्लांट, देखिए कितने बड़े जेट प्लांट हैं, स्नेक प्लांट। ये ऑरेंज, बहुत सारे छोटे छोटे ऑरेंज हैं, हिबिस्कस, ये भी एक तरह का गुआवा, गुआवा के बहुत सारे वैरायटी है। ये पियर, नाशपाती, देखिए ये जूई के फूल है, ड्रैगन फ्रूट्स का प्लांट्स है, देखिए मलबेरी, तूत के पौधे, इसमें कितने सारे, काफी तूत है। ये अंजीर के पौधे, अंजीर भी है। और देखिए दो मेंबर से मिलिए, देखिए दो नॉटी मेंबर, देखिए कितनी, इतनी बदमाशी करते हैं ये दोनों, देखिए। हाँ।
ये हैं कोको और कालू, बहुत नॉटी, घर में धूम मचा के रखते हैं। अभी इनको क्या है ना, अभी इनको इस रूम में बंद करके रखा क्योंकि बारिश होने वाली है। अगर इसे थोड़े से भी छूट मिल जाए तो पूरे बारिश में भींग करके पूरे घर को भींगा देगा, इसलिए दोनों को यहाँ पे अभी बैल्कोनी में पापा बंद करके गए हुए हैं। देखिए काफ़ी जोरों की हवा चल रही है, अचानक बहुत अच्छी वेदर थी लेकिन अचानक अंधेरा करके काफ़ी जोरों से आंधी तूफान आना शुरू हो गई है। देखिए अच्छा फील हो रहा है, जो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस हवा को। देखिए ओह माय गॉड, देखिए अचानक, अभी इस सीजन में ये मार्च अप्रैल में ऐसे भी बहुत अधिक अचानक कब बारिश हो कब आंधी तूफान आए पता नहीं चलता है। मेरी बाल ओह हेलो दोस्तों, तब मैं इस तरह से आपसे जुड़े रहना चाहती हूँ। अभी काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही है, होना हो तो नहीं रही है पर होगी आंधी तूफान के साथ, और लगता है मुझे अब नीचे जाना चाहिए, तो मैं आपसे इसी तरह जुड़े रहना चाहती हूँ। प्लीज़ 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 आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो मुझे भी थोड़ा उत्साह मिलेगा कि हाँ मैं आपसे कुछ शेयर करूँ, आपसे जुड़े रहूँ। प्लीज़ आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ओके बाय।